हाउसफुल डार के बाद इस फिल्म में हुई बॉबी देओल की एंट्री। इस रोल में आएंगे नजर। अभिनेता बॉबी देओल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म हाउसफुल 4 को लेकर काफी सुर्खियों में है। फिल्म हाउसफुल 4 कल यानी शुक्रवार 25 अक्टूबर को ही सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस फिल्म को लेकर दर्शक काफी उत्साहित है। फिल्म हाउसफुल 4 के ट्रेलर और सभी गानों को लोगों ने खासा पसंद किया है। फिल्म हाउसफुल 4 में बॉबी देओल अलग ही किरदार में नजर आएंगे। ये फिल्म कॉमेडी एक्शन से भरपूर है। इस फिल्म में बॉलीवुड के कई सितारे नजर आएंगे। वहीं इस फिल्म के बाद बॉबी देओल एक और बड़ी फिल्म में नजर आने वाले हैं। दरअसल हाल ही में बॉबी देओल ने एक फिल्म साइन कर ली है, जिसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल बॉबी देओल की एंट्री टाइगर श्रॉफ की फिल्म रैम्बो में हो गई है। इस फिल्म में बॉबी का किरदार काफी अच्छा होने वाला है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में जबरदस्त एक्शन से भरपूर मनोरंजन फिल्म बनाई जा रही है, जिसमें टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ बॉबी देओल भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। बॉबी देओल फिल्मों में अपने अभिनय और किरदारों के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस फिल्म में बॉबी देओल पुलिस अफसर विक्रम सिंह के एक अलग ही किरदार में नजर आने वाले हैं। वहीं खास बात यह है कि इस फिल्म के जरिए टाइगर श्रॉफ और बॉबी देओल पहली बार एक साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म रैम्बो अगले साल 2 अक्टूबर 2020 को रिलीज होगी। वहीं हाल ही में ऋतिक रोशन और टाइगर की फिल्म वॉर रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है। फिल्म वॉर में जबरदस्त एक्शन का तड़का नजर आया था, जिसने दर्शकों के दिल को छू लिया। फिल्म वॉर ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 305.95 करोड़ की टोटल कमाई कर ली है। इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। ऋतिक की वॉर इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।